वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में अब तक जितना हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ में। जो मैंने लास्ट में फॉर्मूला डिस्कस किया था आपसे लास्ट वीडियो में, वो वाला था सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में ही उसका प्रूफ भी बताया था कि किस तरह से इसका प्रूफ होता है, और उससे रिलेटेड कुछ अलग जो फॉर्मूले थे वो भी डिस्कस किए थे, क्लियर। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो कैसे सॉल्व करे जाएं। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा, देन हम अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ओके, ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ किस तरह से सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई फोर एंड हमें प्रूव करना है माइनस वन बाई टू, ओके। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो अब इसको सॉल्व करने के हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड की वैल्यू को प्रूव करेंगे। सो नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई बाई सिक्स और होल स्क्वायर कॉस पाई बाई थ्री एंड होल स्क्वायर माइनस टेन, इस तरह से हम वैल्यू लिख देंगे। नाउ अगर हमें साइन पाई बाई सिक्स, तो पाई आपको अगर नहीं भी याद है तो सो ऑलवेज रिमेंबर पाई इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 बाई सिक्स मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू हमें मालूम है 1 बाई 2 होती है, तो 1 बाई 2 और उसका स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री मीन 60 डिग्री, अगेन 1 बाई 2 और स्क्वायर माइनस ये पाई बाई 4 मतलब 45 जिसकी वैल्यू है 1 स्क्वायर 1 बाई 4 1 बाई 4 एंड माइनस 1 ऐसे में लेंगे जब हम, तो 1 प्लस 1 माइनस 4 अपॉन 4 दैट इज। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की है और राइट हैंड साइड की वैल्यू हमें एज अ रिजल्ट प्रूव किया है, ओके। सो इट इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, ओके। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करो। और टेन और 15 डिग्री की भी वैल्यू फाइंड करो। इन दोनों की वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है, ओके। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, देन वी विल सॉल्व दिस, ओके। अब साइन 75, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और यू कैन राइट इट डाउन 60 प्लस 15, बट 15 की वैल्यू नहीं पता, क्लियर। तो वो हम नहीं यूज करने वाले हैं, 45 और 30 हमें दो ऐसे एंगल लेने हैं जिनकी वैल्यू हमें इजीली मालूम है, जिनकी वैल्यू हमें लर्न है, तो हमें पता लग रहा है कि ये दो एंगल कौन से होने वाले हैं। हाँ, इसमें हम कर सकते हैं 45 माइनस 30, क्योंकि हमें 45 30 दोनों मालूम है, या फिर 60 माइनस 45 ये भी हमें मालूम है। तो इसमें आपके पास दो चॉइसेस, बट इन दिस क्वेश्चन ओनली वन, दैट इज 45 एंड 30, क्लियर। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, प्रूव करवाया था। तो अब इसका फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, तो साइन ए कॉस बी प्लस ठीक है, इस तरह से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए साइन फॉर्मूला, अब यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देते हैं, लिख दे रहा हूँ मैं कि कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला यूज हो गया है। वैल्यूज रखनी है क्या, हमें साइन 45 1 बाई अंडर रूट 2, कॉस 30
रूट थ्री बाई टू प्लस कॉस 45 वन बाई अंडर रूट टू साइन 30 वन बाई टू एलसीएम टू अंडर रूट टू इज द एलसीएम एंड रूट थ्री प्लस वन यही है आंसर ठीक है। तो ये आ गया है साइन 75 डिग्री की वैल्यू किससे इस वाले फॉर्मूले को यूज करने से ठीक है। कॉट 15 को भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो कॉट 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री ओके। अब कॉट ए माइनस बी का क्योंकि मैंने फॉर्मूला तो लिखवाया नहीं है ठीक है, मैंने कहा था कि टेन का ही याद करिए उसी से कॉट को यूज़ करेंगे। तो अब मैं टेन को यूज़ करने के लिए इससे पहले टेन थीटा में चेंज कर देता तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन इसी को ऐसे लिख सकते थे वन अपॉन टेन 15 डिग्री ओके। तो क्या हो जाएगा ये मतलब हम टेन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे ओके। तो यहीं पे ही यूज़ करते हैं उसे टेन ए माइनस बी दैट इज टेन ए माइनस सॉरी 16 माइनस 15 ये 45 होगा ठीक है ना, ये 15 डिग्री लिखा हुआ है ये 45 ओके होल अपॉन वन प्लस टेन ए ये फॉर्मूला यूज किया फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर टेन ए माइनस टेन बी होल अपॉन ये फॉर्मूला टेन थीटा का होता है टेन ए माइनस बी टेन ए टेन माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी ये यूज किया है। यहाँ पे वैल्यूज केवल पुट करनी है टेन 60 अंडर रूट थ्री टेन 45 वन वन प्लस टेन 60 रूट थ्री और टेन 45 अगेन वन तो इतनी वैल्यू आ जाएगी ठीक है। रेसिप्रोकल हो जाएंगे तो रूट थ्री प्लस वन ओवर रूट थ्री माइनस वन ठीक है। अब इसको रैशलाइज कर देते हैं हम तो रैशलाइज करने से हमें रूट थ्री प्लस वन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है रैशनलाइजेशन जैसे करते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो थ्री माइनस वन और न्यूमरेटर में रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन प्लस टू टाइम्स अंडर रूट थ्री टू वन ए प्लस बी होल स्क्वायर का यूज़ किया तो ये हो गया थ्री और ये वन फोर प्लस टू रूट थ्री ओवर थ्री माइनस वन टू टू कॉमन है रूट थ्री प्लस वन ओवर टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा सो आंसर इज रूट थ्री प्लस वन ओके। तो ये कॉट 15 डिग्री की वैल्यू आपने हमने सॉल्व की है यूजिंग दिस आइडेंटिटी ठीक है। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके बुक में और भी गिवन है इस तरह के तो ये मैंने केवल समझाने के लिए आपको बताया है, आप इस तरह के और जो क्वेश्चन उनको सॉल्व कर सकते हैं क्लियर। तो सॉल्व करके जरूर देखें तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्लियर। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करा रहा हूँ आगे सो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो भी जो मैंने फॉर्मूले पर डिस्कस किया ना उन्हीं में से ही रिलेटेड है ओके। मैं बेसिकली वीडियोस में देखिए सारी प्रॉब्लम आपको भी पता है कि सॉल्व नहीं करवा सकता तो मैं उतने क्वेश्चंस सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे लगता है कि टिपिकल होंगे और अलग अलग वेरिएशन है जिन क्वेश्चंस में ताकि आप उस तरह के और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व जरूर करके देखें और कर सकें ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो ये लिखा है कॉस 5 by 4 minus x cos 5 by 4 minus 5 minus sine the same angle and cos same angle okay is equal to sine x plus y ये प्रूफ करना है हमें ओके। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा देखिए पहले तो आप ये देखिए कि जो क्वेश्चन लिखा है ध्यान से देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड केवल तो LHS फिर से लिख दे रहा हूं मैं cos पाई बाय 4 माइनस x cos पाई बाय 4 माइनस y sin एंड cos
इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए, सॉरी, ये दोनों टर्म साइन हो गए हैं, अब इसको फॉर्मूले को ध्यान से देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज ऑलवेज गिवन बाय कॉस ए प्लस बी। ओके, तो इस फॉर्मूले की जगह हम ये यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए, एंगल देखिए क्या है, पहले वाला एंगल बी है, बाद वाला एंगल, तो 5 बाई 4 माइनस एक्स प्लस इस तरह से, ठीक है, 5 बाई 4 और 5 बाई 4 ऐड हो जाएंगे तो 5 बाई 2 आ जाएगा, माइनस दोनों में ही कॉमन है तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, इस तरह से आ गया। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा, तो कितना आ गया रिजल्ट, साइन थीटा की जगह एक्स प्लस वाई, ये फिर से फॉर्मूला। ओके, दोबारा से फॉर्मूला जो यूज था वो मैंने फिर से लिख दिया है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अब देखिए फिर से यही सम और डिफरेंस वाला ही फॉर्मूला यूज हुआ अगेन, राइट, तो इस तरह से हम इनके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का, किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट किस तरह से सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन को, ये गिवन है हमें कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स होल अपॉन साइन पाई माइनस एक्स एंड कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स ये प्रूव करना है, तो देखिए ध्यान से इसे, लेफ्ट हैंड साइड कॉस LHS ऐसी चीज लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब हम इनकी फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो cos pi प्लस एक्स, देखिए pi पे याद करिए चेंज नहीं होता है एंगल, cos ही रहेगा, बट pi से ज्यादा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा होता है नेगेटिव, तो वो आ जाएगा यहाँ माइनस cos x, और cos नेगेटिव एंगल क्या होता है, cos x ही होता है, साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में ये साइन, तो साइन एक्स ही रहने वाला है, कॉस 90 प्लस एक्स ये होता है माइनस में साइन एक्स, ठीक। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स, कॉस अपॉन साइन दैट इज कॉट स्क्वायर, जितने फॉर्मूले यूज हुए सब यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। कौन कौन से यूज किया, ये वाला ये लिख देंगे, इसको लिख देंगे, सब फॉर्मूले यहाँ पे लिख दीजिएगा जो जो यूज किया है। ओके, तो जिस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है, फिर आगे जो हम पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट जो पार्ट मैं बनाऊँगा उसमें क्या चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बट उससे पहले लास्ट जो क्वेश्चन वो मैं शेयर करने वाला हूँ जो अलग टाइप का ही है थोड़ा सा, ये इसी तरह के फॉर्मूले इसमें भी यूज़ होने हैं कुछ। Question is cos 3 pi by 2 plus x cos 2 pi plus x bracket cos 3 pi by 2 plus x plus cos 2 pi plus x इक्वल टू वन,
ठीक है, अगेन लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे, राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले ही लिखने वाला हूँ इनके जो होते हैं वो। ओके, कॉट थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू को डिग्री में चेंज करके देखो कितना होता है, ये होता है 270 डिग्री। ओके, तो 270 प्लस थीटा, 270 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का एंड, प्लस कोई एंगल हो रहा है मतलब ये चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें जाकर देखना है कि कॉस एंगल कैसा होता है। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज दैट इज सी, सी आर है मतलब ये पॉजिटिव होगा ना फोर्थ में, तो ये क्या लिख दिया जाएगा। अब थ्री पाई बाई टू मतलब 270 पे तो चेंज होता है 90 और 270 को, मतलब कॉस बदल जाएगा साइन थीटा में, तो ये आ जाएगा साइन एक्स। ओके, टू पाई प्लस एक्स, टू पाई मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का एंड, एंगल ऐड किया मतलब पहला क्वाड्रेंट, पहले में सारे एंगल पॉजिटिव और 2 पाई की वजह से नो चेंज, तो फिर ये हो जाएगा कॉस एक्स। ओके, ब्रैकेट, ठीक है, ये प्रोडक्ट ही है, कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉट बदल जाएगा इसकी वजह से 270 की वजह से 10 में, बट माइनस इसको देख लेते हैं 2 पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव होते हैं तो प्लस ही रहेगा, कॉट 2 पाई की वजह से नो चेंज, तो कॉट एक्स। ओके, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए ये साइन कॉस है, ये नहीं है, इनको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, टेन एक्स, तो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। ओके, इस तरह से आ जाएगा प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। ओके, और यहां पर माइनस है। ओके, ये जो है ये माइनस में है, तो ये फिर माइनस नहीं रहेगा क्योंकि थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स उधर थर्ड क्वाड्रेंट की ही बात हो रही है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एलसीएम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स, प्लस जितने फॉर्मूले यूज करेंगे सब लिखते जाएंगे, ये टर्म कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, हेंस प्रूव्ड, ये क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व। ठीक है, तो ये जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे डिस्कस कर लिए हैं मैंने आपके साथ। अब आपका हर पार्ट बच रहा है वो ये, वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करके देखें ये। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में ही, बोर्ड आपको दिख रहा है सभी को, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं क्या कंसिडर करने वाला हूँ वो आपको बता देता हूँ मैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आप सीखेंगे, जैसे अभी हमने फॉर्मूले जो सीखे हैं उसमें था कि सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स से हमने जो फॉर्मूले थे वो देखे हैं, अब उसी का रिवर्स फॉर्मूले होंगे, मतलब सी और डी वाले टर्म्स के फॉर्मूले, मतलब साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, इस तरह के जो फॉर्मूले होंगे वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, तो इस वीडियो को पूरी देखें और क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।